हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑप सेशन सेल्फ अजीत जैन मैं वापस आ गया हूं आपके लिए कंपराइज अकाउंटिंग का रिमेनिंग पार्ट लेके कंपराइज अकाउंटिंग जो आपका 20 मार्क्स का आता है पार्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स इज एन ऑप्शन ऑफ योर पार्ट बी पार्ट बी यानी सेक्शन बी के ऑप्शन में आपके पास होता है सेक्शन सी सेक्शन सी जो आपका 20 मार्क्स का पार्ट आता है जिसमें मोस्टली मेरे हिसाब से दो यूनिट्स हैं दो यूनिट्स उसमें इंक्लूड हो रहे हैं स्प्रेडशीट एंड डेटा बेस मैनेजमेंट स्प्रेडशीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अपने प्रीवियस क्लास में और आज मैं आपको डेटा बेस मैनेजमेंट जो आपका लास्ट यूनिट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चैप्टर आपका थ्योरी से ज्यादातर रिलेटेड है बट थोड़े बहुत लॉजिक है छोड़े बहुत आपको शायद इसमें सिंटेक्स लिखने पड़ेंगे आप मैं कह सकता हूं डेटाबेस मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा शायद कोडिंग से रिलेटेड लगे एग्जैक्ट कोडिंग नहीं है बट हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स यूज करते हैं जिन लोगों ने अपने क्लास ट्वेल्थ में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ले रखा होगा उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी है बहुत ज्यादा आसान है अंडरस्टैंडिंग भी उनके लिए होगा वो समझ सकते हैं और जिनको नहीं पता है उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको इस पूरे चैप्टर में क्या इंफॉर्मेशन है वो बताऊंगा पूरा उसको शेयर करूंगा और मेरे हिसाब से अगर आप ये शीट पढ़ भी लोगे ये शीट पढ़ लोगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन क्या होगा थ्योरी का वो भी कवर हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट ऑफ थ्योरी एग्जाम में लिख सकते आंसर, वो भी मैंने इस शीट में इंक्लूड करके रखी हुई है 20 मार्क्स का आपका पोर्शन आता है इसका और बोर्ड एग्जाम में इट इज एन ऑप्शन ऑफ योर पार्ट बी ना पार्ट बी का ऑप्शन है पार्ट बी में आपके पास रेशियोलिस कैश फ्लो स्टेटमेंट है एंड योर कम्पेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है और पार्ट बी ही मोस्टली आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है सेक्शन सी पे कोई ध्यान नहीं देता सेक्शन सी जो बहुत इजी पार्ट है और आप इसको कम से कम समय में उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो या उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन ए के लिए मैक्सिमम टाइम बचेगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इड अकाउंटिंग का जो सेक्शन सी का 20 मार्क्स का है उसको आप एक लास्ट डे भी तैयार कर लोगे ना यू कैन स्कोर मोर देन नाइन इन दैट पोर्शन आप आराम से स्कोर सकते हो मैक्सिमम थ्योरी पार्ट आता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है स्प्रेडशीट का आफ्टर दिस क्लास क्लास इस class के बाद मैं आपको एक और शीट एक और क्लास आपसे शेयर करी जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो भी आपका वर्कशीट में यानी कि आपके सैंपल पेपर आई में क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो मैं डिस्कस करूंगा और आपको शेयर करूंगा जैसे कि आपको एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करने जी हो सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर मैं रफली बताऊं देखो अगर वर्ड में देखो तो डेटाबेस मतलब क्या डेटाबेस मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रखते हो डेटा इज व्हाट इज डेटा डेटा इज द यू कैन से अगर मैं किसी बिजनेस में बात करूं तो कोई भी एक्टिविटी डेटा इज एक्चुअली एन एक्टिविटी अगर बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दैट इज एन डेटा अच्छा डेटा इज अ प्लेस वेयर ऑल द डेटा इज रिकॉर्डेड मैनेजमेंट हाउ यू कैन मैनेज योर डेटा आपने जो डेटा रिकॉर्ड किया है इससे अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैसे ऑप्टेन करोगे डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प हो सकती है और अपने डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हो मैनेज मीन्स हु विल बी द यूजर हु विल रिकॉर्ड द डेटा हु विल बी द यूजर हु विल चेक द डेटा हैज़ द कंप्लीट एक्सेस किस यूजर के पास उसका एक्सेस उसको करेक्ट करने का यानी कि उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन करने का एडिशन करने का डिलीशन करने का राइट right होगा और किसके पास उसको चेक करने का या अप्रूव करने का राइट right होगा तो ये सिस्टम को मैनेज करता है कि कि एक चाहे तो आप एक प्लेस पे बैठ के यानी द पर्सन एट वन प्लेस अ पर्सन कैन मैनेज द डेटा बेस ऑफ ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल इट्स ब्रांचेस यानी एक ही प्लेस पे बैठ के आप सारे अपने ब्रांचेस के सारे बिजनेस के, सारे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक ही प्लेस पे बैठ के मैनेज कर सकते हो उसको प्रोसेस कर सकते हो उसका लार्ज तो ऑर्गेनाइजेशन ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्थी सिस्टम है इससे वो अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं डेटा सिक्योर भी रहता है और अंकुल बहुत सारा स्पेस भी मिलता है इसको रिकॉर्ड

किसी ना, किसी ना सबने हर बच्चे ने कहीं ना कहीं अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो करी होगी आइदर ड्यूरिंग द ईमेल रजिस्ट्रेशन और यूर रजिस्ट्रिंग इन टू एन ऐप चाहे वो गेम ऐप हो चाहे वो आपका ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो या आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करते हो अच्छा ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो उसमें डिटेल फिल करते हो दैट डिटेल्स आर फिल्ड बाय एन एप्लीकेशन आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो या कोई वेबसाइट है या तो वेबसाइट भी यूज कर सकते हो अभी देखो या तो आप एप्लीकेशन पे कर रहे थे जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी है लेट्स से मैं सबसे सिंपल कहूँ आप जब भी कोई मोबाइल ओपन कर मोबाइल परचेज करते हो तो आपको प्ले स्टोर में रजिस्ट्रेशन करना होता है आप प्ले स्टोर में जब रजिस्ट्रेशन करते हो अपना मेल आई लिखते हो नंबर लिखते हो एज लिखते हो अपने पर्सनलाइजेशन डिटेल यानी आपको क्या क्या किस तरह के एप्स

किस प्लेस के हैं किस रीजन के हैं कौन से एज के हैं अच्छा ये सारी इंफॉर्मेशन उसको अगर ऑप्टेन करनी है या चाहिए तो वो इस बड़े से यानी इतने सारी इंफॉर्मेशन ये सारा हर बहुत सारे लोग के अकाउंट बने होंगे तो वहां से कैसे डराइव करेगा यहां पे रोल प्ले करता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर आता है और उस यूजर के लिए ये काम बहुत आसान कर देता है तो देखिए अब मैं बताता हूं आपको कैसे वो आसान करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स डेफिनेशन आपकी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग एंड क्वेरिंग डेटा इन अ फ्लेक्सिबल मैनर फ्लेक्सिबल मैनर मतलब आप आसानी से यूजर फ्रेंडली इसको यर्न करने के लिए इसको यूज करने के लिए कोई आपको हार्ड कोडिंग प्रोसेस नहीं आना चाहिए यानी कि आपको कोई प्रोग्रामर नहीं होना चाहिए कि आपको हाई लेवल के प्रोग्रामर हो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते होंगे कोडिंग करते होंगे तभी आप इसको यूज कर पाओगे अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज भी आती है जैसे मैं कहूँ सब लोगों ने बहुत मैंने अपने टाइम पे तो कंप्यूटर लैंग्वेज

सो so, आप देख सकते हो तो यहाँ पे डेटा बेस का काम जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है अभी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जैसे एक्सेस है एमएसएक्स एक्सेस और एम एस एक्सेस आप सबके लैपटॉप में होगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वर्ड है नोट पैड है तो आप देखो शायद अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज डाउनलोडेड है इंस्टॉल्ड है तो उसमें एमएस एक्सेस नाम की भी एक एप्लीकेशन होगी एक्सेस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक डेटा

डेटा बेस इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द यूजर अच्छा यूजर यहां कौन है यूजर इज द पर्सन हु रिकॉर्ड द डेटा ऑन एप्लीकेशन अभी देखो यहां पे मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना यहां पे ऐप ये यूजर जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को रिकॉर्ड करता है वो डेटा बेस में स्टोर होता है फिर वो डेटा बेस में डेटा बेस मैनेजमेंट में डेटा प्रोसेस होता है और जब यूजर इसमें से कोई क्वेरी करता है कोई क्वेश्चन पूछता है सच एस अगर यहां मैंने बताया आपको गूगल प्ले स्टोर का एग्जाम्पल दिया था और वहां पे यूजर जो है जो डेटाबेस को चेक कर रहा है या उसको रिकॉर्ड चेक करने और उसने एंटर किया आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी यूजर्स आर इंडिया विद नेम अजीत आर यूजिंग प्ले स्टोर एंड आर फ्रॉम द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश रीजन तो जितने भी उसके पास अजीत से रजिस्ट्रेशन होंगे जो गूगल प्ले स्टोर पे होंगे उन सबका डेटा वो उसके सामने प्रेजेंट कर देगा अगर उसको नंबर ऑफ काउंट चाहिए जो भी उसमें से डेटा चाहिए उनका एड्रेस चाहिए तो अगर एक सिंपल यूजर एक सिंगल यूजर जाके उस एप्लीकेशन में एक एक करके पेज में सारे रिकॉर्ड को चेक करता तो शायद बहुत टाइम वेस्ट होता और यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट क्या करेगा इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके चुटकियों में आपके पास क्या कर देगा आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा So, आगे चलते हैं डेटा बेस इज नॉट तो ये एक्सेसिबल डायरेक्टली यूजर को नहीं है क्योंकि अब जैसा ऐसा है ना कि डेटा बेस मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम विच हेल्प यू फॉर क्वेरिंग अब आप उसमें अपने डेट अपने डेटा को किस तरह से एक्सेस करना चाहते हो क्या उसमें मॉडिफिकेशन है क्या उसमें आपको डिजाइनिंग करनी है क्या फॉर्मेटिंग करनी है ठीक है ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे लेकिन ये सारी चीजें करने का अब क्योंकि यूजर क्या होता है सिंपल यूजर यूजर इज द वन हु जस्ट रिकॉर्ड द डेटा उसके पास सिंपल नॉलेज है ठीक है ही हैव अ नॉलेज ऑफ यू कैन से सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है यू कैन से उसको एक एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे डेटा बेस मैनेजमेंट में आपको बताऊं इसको आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको उसमें क्वेरिंग करने के लिए क्वेश्चन इसमें आप क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछ सकते बताओ बताओ मुझे कितने सारे लोग ऐसे नहीं आपको उसको एक पैरामीटर सेट करना पड़ता है एक लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज है दैट इज एसक्यू एल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं यहां पे क्वेरिंग करने के लिए लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम यहां पे एसक्यूएल का यूज करते हैं ठीक है ये लैंग्वेज हर यूजर इससे इस, हर यूजर को इसकी नॉलेज नहीं होती है ना उसको जानने की जरूरत है क्योंकि तो उसका काम क्या है खाली एक डेटा इनपुट कर देना ठीक उसने डेटा इनपुट कर दिया अब जो दूसरा यूजर है जिसको डेटा का एनालिसिस करना है जिसको उसमें से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड दो टाइप के यूजर्स हो सकते हैं ना वन यूजर हु जस्ट रिकॉर्ड द डेटा वन यूजर हु वांट्स टू एनालाइज द डेटा जिसका काम एनालिसिस का है जिसको उसमें से डिसीजन मेकिंग करनी है जिसमें से उसको कोई इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करनी है दैट कैन बी अ सेकेंड यूजर ठीक जैसे एग्जांपल मैं आपको तरफ बता सकता हूं आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो फॉर योर डोमिनोस डोमिनोज आप मैकडोनल्ड ले सकते मैकडोनल्ड में देखते हो इतने सारे स्टोर्स हैं अब इन सारे स्टोर्स पे हर स्टोर पे सबका अपना सिस्टम है उनके पास अपनी एप्लीकेशन है अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें वो सेल पर सेल्स रिकॉर्ड करते हैं क्या उनके पास प्रोडक्ट इन्वेंट्री क्या है वो रिकॉर्ड करते हैं सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं और वहां से सारा अब उनका काम रिकॉर्ड करने का अब जो मान लो उसका मान लो एचआर एच आर मतलब हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जिसका काम है सैलरी सबकी असाइन करना सबकी सैलरी कैलकुलेट करना अब उसको कैसे पता चलेगा वो क्या करेगा इन्होंने जो डेटा रिकॉर्ड करी इन्होंने

ठीक है किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए यह आपको सिस्टम को बताना पड़ता है तब वो आपके लिए उस डेटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख देता है ठीक है तो अभी आप आ जाइए डेटा बेस इज नॉट डायरेक्टली असेसबल टू यूजर्स उनके लिए नहीं है भैया हर एक का काम की नहीं है सबकी लैंग्वेज बस की नहीं है सीख पाना ठीक है जिन लोग को आता है वही इस्तेमाल करें कोई भी डेटा में एडिशन अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट जो होता है ना अब मैं कहूं एप्लीकेशन जो है एक फ्रंट एंड है जैसे आप जैसे देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लेट से आप लोग ऑप्शेशन का ऐप यूज करते हो ना ऑप्शेशन ऐप जिन्होंने यू यूज किया है वो यूज करो तो आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन आप अभी यूज कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन पे आपको एक इंटरफेस दिखता है सामने जो है ठीक है जो आप फ्रंट पे देख रहे हो तो यू आर एन सी ओनली दो थिंग्स अच्छा उसका डेवलपमेंट पार्ट क्या है वो आपको डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है वो प्रोसेस कभी आपको दिखता है नहीं दिखता है ठीक है आर यू एबल टू सी हाउ द एप्लीकेशन इज प्रोसेसिंग द डेटा या जब आप गूगल सर्च इंजन में कोई भी वर्ड कीवर्ड टाइप करते हो तो क्या वो आपको प्रोसेस दिखता है कि वो सर्च कैसे कर रहा है आप उस प्रोसेस को देख पाते हो नहीं देख पाते हो वो उसके बैक एंड में होता है तो किसी भी एप्लीकेशन के दो एंड होते हैं वन इज योर फ्रंट एंड अदर इज योर बैक एंड बैक एंड इज बैक एंड एंड इज 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 अ प्लेस वेयर ऑल द स्टोर्ड मैनेज वहां पे मैनेज किया जाता है जैसी यूजर की क्वेरी होती है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग वो उस डेटा में से निकाल के उसको प्रेजेंट करता है ठीक है एंड फ्रंट एंड इज द प्लेस वेयर द यूजर आज द क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेशन रिकॉर्ड डेटा इन देश रिकॉर्ड डेटा विद एप्लीकेशन ठीक है वो वहां पर वो काम करता है एनी एडिशन मॉडिफिकेशन और रिट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा बेस इज डायस यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम्स कोई भी एडिशन मॉडिफिकेशन डिलीजन जो करना होता है वो सारा काम अब एप्लीकेशन के थ्रू कर ले सकते जो यूजर अपन के सामने इंटरफेस पे होता है ठीक है अब वो कहां जाके स्टोर हो रहा है वो सामने उसको नहीं दिखता है कहना सर को अंग्रेजी नहीं आती डेटा बेस दो टाइप के हमारे पास डेटाबेस है वन इज डेस्कटॉप डेटाबेस अदर इज सर्वर डेटाबेस भाई अगर आप अपने आपका छोटा सा ऑफिस है दस दुकानें हैं एक एक स्टेट में आपकी दस दुकानें हैं फिर भी काम धंधा अच्छा भगवान कृपा से अच्छा चल रहा है बहुत सारा काम आता है डेली एक दो लाख रुपए का, का काम हो जाता है सॉरी 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 एक दो करोड़ रुपए का, का काम हो जाता है हो तो ज़्यादा हूँ ना ठीक और बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो आपने अपने लैपटॉप में ही एक डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर ले लिया ठीक है।, है सारे स्टोर्स पे सबके पास अपना अपना लैपटॉप दे रखा है सब लोग वहाँ पर अपनी सेल परचेज रिकॉर्ड करते हैं हफ्ते के आखिरी में या दिन के आखिरी में सब लोग अपना डेटा जाके यूजर को शेयर करते हैं यानी जो हेड है उसको शेयर करते हैं और फिर डेटाबेस हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं डेटाबेस डेस्कटॉप डेटाबेस एंड सर्वर डेटाबेस डेस्कटॉप डेटाबेस और सर्वर डेटाबेस ये दो टाइप के जो तो डेटाबेस है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो यूजर इस डेटाबेस को यूज कर रहा है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आप यूज करना चाहते हैं वो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर डिपेंड करता है आप किस तरीके का डेटाबेस चूज यूज करोगे एग्जाम्पल के तौर पर कहूं जैसे कि मान लीजिए कि एक अरुणेश सिंह नाम का एक पर्सन है इट इज अ पर्सन अरुणेश कुमार सिंह उसका वेजिटेबल बिजनेस है ठीक है अच्छा खासा बिजनेस चलता है डेली दस बीस लाख की सब्ज़ियाँ बेच देता है बहुत सारे स्टोर हैं लखनऊ में अप्रॉक्सीमेटली उसके पास जैसे मैं लखनऊ में रहता तो लखनऊ का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ लखनऊ में उसके पास ऐसी चालीस पचास शॉप हैं जहाँ पे वो अपनी सब्ज़ियाँ सेल करता है आजकल देखते हो ना वो पहले तो आते थे ढक्का देने वाले आलू ले लो प्याज ले लो और आजकल क्या अब क्या होता है कि आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और या बिग बास्केट से या फिर आप शॉप्स देखते हो आजकल शॉप्स भी हैं जैसे जनरल स्टोर्स की शॉप्स होती है वेजिटेबल शॉप्स भी रहती हैं अच्छा वहाँ पर उसके पास बहुत सारे स्टोर हैं मैंने बताया अच्छा खासा भगवान की कृपा से काम चल रहा है डेली इतने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं दस बीस लाख की सब्जियाँ भेज देता है हर हाँ स्टोर में अच्छा होता क्या है साल वो लोग क्या करते हैं क्योंकि इतना काम चल रहा है तो पेन पेपर पे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं एक एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं अच्छा सब ने एक छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप करा रखी है अपने बिज़नेस की अरुणेश वेजिटेबल्स करके ठीक है और वहाँ पे सब लोग जितना माल बेचा जितना ख़रीदा वो सब रिकॉर्ड इतना आया कितना गया ये सारी डेटा उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है अच्छा अरुणेश जो है वो एक एम कॉम स्टूडेंट है ठीक है एम भी -E कर रखा है उसने उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो उसने कहा किया अरे मुझे डेटा यार मैं बार बार इन सारे एप्लीकेशन से डेटा निकालूं फिर इसको एक्सेल शीट में ले जाऊं फिर वहां पे फिल्टर करके चेक करूं बार बार, बार बड़ा समय लगेगा यार फॉमुला वाम लगाना बड़ा दिमाग लगता है ऐसा क्या करते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ले लेते हैं उसने पढ़ा हुआ था उसको याद है एम एस एक्सेस एक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर आप उसने सोचा यार गूगल से एक ट्रायल पर लेते हैं और से या जैसे एसकल सर्वर है वो ख़रीद लेता हूँ और एक ट्राई करता हूं करके मेरा काम बनता है कि नहीं उसने डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम लिया और अपने सारे को उस डेटा बेस अपने ही लैपटॉप से उस सारे डेटा को मैनेज कर सकता है दैट इज व्हाई इट इज अ डेस्कटॉप डेटाबेस यानी सारा डेटाबेस सारा डेटा कहां पे आके बेस ले रहा है कहां पे लाके स्टोर हो रहा है उसके डेस्कटॉप पे इसलिए इसको क्या बोलेंगे डेस्कटॉप डे यानी सारे एप्लीकेशन से जो डेटा आता है वो कहां जाता है उसके डेस्कटॉप पे जाके स्टोर होता है छोटा बिजनेस है ना मैंने बताया तो 10-20 टीबी की उसने हार्ड ड्राइव ले रखी है कभी जरूरत पड़ी तो और बढ़ा लेंगे अभी तो इतना काम नहीं तो इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट हो तो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन था अभी यहां पर कई बार समस्या क्या होती है पहली चीज तो मैंने बताया स्पेस की समस्या अगर मान लो स्पेस खराब खत्म हो जाए या मान लो तुम्हारी हार्ड डिस्क की करप्ट हो जाए तो तुम यूज नहीं कर सकते उसको डेटा रिट्रीव नहीं होगा हो सकता है खराब हो जाए क्रैश हो जाए सिस्टम हमारा डेस्कटॉप खराब हो गया तुम्हारा पूरा डेटा चला जाएगा बड़े नुकसान है ठीक तो डेस्कटॉप डेटाबेस डेटा उनके लिए है जहां पर एक सिंगल यूजर उस डेटा को मैनेज करना चाहता है डेस्कटॉप डेटाबेस वहां पे सक्सेसफुल है जहां पे सिंगल यूजर उस डेटा को मैनेज करना चाहता है और जहां पे वो मतलब आप कह सकते हो इकोनॉमिकली सिस्टम लेना चाहता है ज्यादा महंगा सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर सकता इसीलिए वो डेस्कटॉप पे ही काम कर लेता है अपने सिंगल यूजर के लिए ही अवेलेबल होता है सर्वर डेटाबेस में ऐसी सिस्टम नहीं है ऐसी समस्या नहीं है बहुत सारे यूजर एक साथ उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं एक साथ कई सारे यूजर्स इसीलिए और ये सारा डेटा जो होता है किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे नहीं सेव हो रहा है सेव हो रहा है यानी क्लाउड स्टोरेज सबको पता है ना क्लाउड स्टोरेज आसमान में आजकल डेटा स्टोर होता है पहले कहा स्टोर होता था हार्ड डिस्क में पहले सबसे पहले फ्लॉपी में फिर हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क से कहा आया आपके पेन ड्राइव में पेन ड्राइव से आगे नाउ योर क्लाउड में आप चाहो तो अपने पेन ड्राइव टू एच डी गाड़ा एसडी कार्ड भी आप कर सकते हो छोटा मेमोरी डिवाइस और उसके बाद आप चाहे तो अपने डेटा आप कहाँ स्टोर कर सकते हो अपने क्लाउड्स में स्टोर कर सकते हो क्लाउड आसमानों में आसमानों में दे हैव मतलब

ठीक है डेटा बेसिस uh, समझ में आ गया वॉट इज डेस्कटॉप डेटा बेस इन सर्वर डेटा बेस नेक्स्ट कम टू डेटा बेस सिस्टम एप्लीकेशन कहां पे इस्तेमाल होता है आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है हर तरह के बैंकिंग में एयरलाइन में यूनिवर्सिटी में क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में टेली में फाइनेंस में सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूमन रिसोर्स में इन सारी जगहों पे आजकल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है क्योंकि डेटा अभी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे डेटा को एक जगह रिकॉर्ड करके एक जगह कलेक्ट करके जो भी यूज़र उस डेटा में से कोई भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करने की रिक्वायरमेंट रखता है वो इस सिस्टम को यूज़ कर सकता है और सिस्टम उसको हेल्प करेगा जैसे आप बैंकिंग में देखो फॉर कस्टमर कंसमर के इंफॉर्मेशन अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए लोन्स रिकॉर्ड करने के लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए एयरलाइन में रिजर्वेशन के लिए शेड्यूलिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म कौन से आपके टर्मिनल पे कौन सा प्लेन आ रहा है क्या शेड्यूलिंग टाइम है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं कितनी बच्ची यू कैन रिक्वायर यू कैन टेक आउट इंफॉर्मेशन एट मोस्ट यू कैन से एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा विच यू हैव रिकॉर्डेड बस आपको ये पता होना चाहिए उससे सवाल पूछने का तरीका अगर आपका सवाल पूछने का तरीका उस सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छा होगा यानी जो आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखी है ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है आप कोई नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछते टेल मी हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन माई बैंक ऐसे नहीं पूछोगे यू हैव टू आस्क इन अ डिफरेंट मैनर आपको एक उसका लैंग्वेज लिखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो उस डेटा को फिल्टर हो सकता है कि शायद आप जब एप्लीकेशन पे इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो उ मेनी नंबर ऑफ अकाउंट इन माई बैंक तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन वो उस क्वेश्चन से डेटा से उसके पास जो अवेलेबल डेटा है उस डेटा में से कैसे उस इंफॉर्मेशन को डराइव करता है इसके लिए आप जो प्रोसेस लिखोगे दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड कैरी लैंग्वेज आगे बात समझ में तो दीज आर द्लेसेज वेर द डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन आर यूज मोस्टली आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो ये शीट आपको शेयर करी जाएगी सो दैट यू कैन स्टडी इजी ठीक है आई थिंक मुझे इसको डेप्थ बताने की जरूरत नहीं है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस बी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या विशेषता है भैया अच्छाइयां ही है, अच्छाइयां हैं। मुझे तो कोई खामियां नहीं दिखती अच्छाइयां ही है, अच्छा ही हैं तो अच्छा देखिए क्या है रिडक्शन ऑफ रिटेंडेंसी अगर आपने डेटा कोई किसी मान लो कोई यूजर है कोई आप से मान ली से यू यू हैव रिकॉर्ड रिकॉर्ड आर रिकॉर्डिंग सेल्स सेल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कर मान लो आपने सेल्स को दो बार लिख दिया ठीक है थीके? किसी यूजर ने उस सेल को दो बार रिकॉर्ड कर दिया यानी कि हंड्रेड यूनिट्स उसने सेल जो करे एक पर्टिकुलर कस्टमर को वो उसने दो बार रिकॉर्ड कर दिया तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो डुप्लीकेशंस को रिड्यूस कर देता है डुप्लीकेशंस रिड्यूस करने से क्या होगा कि अगर आपने आपका सबसे पहली चीज तो स्पेस बच जाएगा ठीक है एरर्स से ले जाएंगे बहुत सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी इसमें से ठीक है डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशियंट एक्सेस एफिशिएंट एफिशियंट एक्सेस से मतलब हुआ आप जब चाहे आ, मतलब डेटा प्रोसेस करके आपको जो आउटपुट चाहिए वो तुरंत मिल जाता है ठीक है पहला काम तो ये डेटा इंडिपेंडेंस यानी कि डेटा इंडिपेंडेंस से मतलब हुआ कि आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती मतलब बाकी सारा डेटा रिकॉर्ड नहीं पड़ना पड़ता जैसे लेट्स आप मैं कहूं कि इफ यू वॉन्ट टू अगर मैं एज एन एग्जाम्पल लूँ आपका योर लेट्स एग्जाम्पल ऑफ योर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में कह रहा हूँ एक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उस हॉस्पिटल में अगर आपको ये जानना है हाउ मनी बेड्स आर अवेलेबल हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देर वॉट इज़ द शेड्यूल ऑफ डॉक्टर्स उसके लिए आपको और डेटा इन्फॉर्मेशन पुट करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली डराइव कर सकते हो उसमें से वहाँ पर आपके पास यूज़र इंटरफेस पे क्वेश्चन आपके पास डेटा अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा एक टेबल बनी होगी जहाँ पर अवेलेबिलिटी आपकी स्क्रीन पर बार बार दिखती रहेगी कितने बेड्स खाली हैं कितने बेड्स आपके फिल हो गए हैं कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है इस टाइम पर नहीं है तो आपको एक स्क्रीन पर दिखता रहे

दैट इज़ अ डेटा इंटिग्रिटी डेटा सिक्योरिटी है सिक्योर है पासवर्ड लिंक रहता है ठीक है जैसे कि आपनेटिंग जानते हैं जैसे अकाउंटिंग सिस्टम अगर आप कंप्यूटर में देखो तो योर डेटा इज सिक्योर हर यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है हर यूजर को एडिशन डिलीशन का राइट नहीं होता है यानी डेटा बेस मैनेजमेंट चूँकि पहली बात तो ये यूज़र के हाथ में नहीं होता है यूज़र इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है तो, तो देर इज अ डेटा सिक्योरिटी मतलब डेटा सिक्योर ही है आपका ठीक है ओनली द पर्सन हु इज डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर हैज द एक्सेस ऑफ दैट डेटा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन है एक्सेस है क्रैश रिकवरी है क्रैश रिकवरी मतलब अगर आपका मान लो कहीं पे डेटा लॉस्ट हो गया है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो यू कैन क्रिएट योर बैकअप पॉइंट आप बैकअप लेके रख सकते हो अपना डेटा का जैसे कि अगर मान लो कभी आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो वो पूरे डेटा को रिकवर करने का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है रिड्यूसर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम अगर आपको पर्टिकुलरली नहीं तो कोई एक अलग से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी एक एप्लीकेशन यूजर को रिकॉर्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन दूसरे यूजर्स को उसमें से इंफॉर्मेशन रिक्वायर करने के लिए

और यू कैन से प्रोसेस द डेटा एनालाइज द डेटा एनालाइज डेटा एंड कंपेर्ड डेटा यानी ये सारे प्रोसेस आप कर सकते हो विद्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज द ओनली थिंग यू हैव टू राइट दैट क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है क्वेरी मतलब होता है कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए क्वेरी इज योर क्वेश्चन तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए क्या प्रोसेस डिजाइन कर सकता हूं वो उस डेटा में से आपके क्वेश्चन के आंसर को कैसे डिफाइन करेगा कैसे निकालेगा इसके लिए मैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करता हूं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टैंड फॉर प्रोनाउंस एसक्यूएल ठीक एसक्यूएल इज यूज टू कॉम्युनिकेट विद डेटाबेस तो आपके डेटाबेस डेटाबेस से एप्लीकेशन से डेटा किस में आता है डेटाबेस से डेटाबेस से सवाल कौन पूछ सकता है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूल लैंग्वेज का रहता है वो एक कॉम्युनिकेशन डेवलप करता है डेटाबेस के साथ और उससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें से ऑप्टेन करके यूजर के सामने प्रेजेंट करता है ठीक है अकॉर्डिंग टू एन एस आई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज अपडेट डेटा ऑन डेटाबेस और रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस अगर उस डेटाबेस में से कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कर सकते हो या उस डेटाबेस में आपको अपनी तरफ से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन एड करनी तो वो भी एड कर सकते हो डिजाइनिंग करनी फॉर्मेटिंग करनी यू हैप्शन देर ठीक है सम कॉमन सम कॉलम रिलेशन डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम दैट एज ओरैकल है एसओबेस है माइक्रोट सर्वर है एक्सेस है इंगरस है तो दीज आर दॉफिस डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम्स विच यू कैन यूज द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज नेक्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी पे ले आता हूँ डायरेक्ट आपका थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है उस पर ले आता हूँ क्योंकि मोस्टली जो अब इसमें बचा है दैट और इसके बाद पार जो पार्ट पार है की एडवांटेजेस क्या है फीचर्स क्या है दैट आर द कॉमन थिंग्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एस अच्छा बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज मतलब क्या नॉर्मल क्वेश्चन या यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल कमांड्स के बारे में बताया गया है आपके सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल कमांड्स हैं एसक्यूएल की तो नॉर्मली जो आप अपने डेटा में से क्वेश्चन पूछ सकते हो छोटे से, छोटे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो वो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सबसे पहले आप देख सकते हो यू हैव ये ये देखो ओके सेलेक्ट क्लॉज अच्छा ये स्ट्रिंग्स हैं बेटा ये ध्यान रखना ये स्ट्रिंग्स दीज आर द स्ट्रिंग्स दीज आर द वर्ड्स विच यू हैव टू यूज वाइल ऑप्टेनिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा ये एक लैंग्वेज है ठीक है यानी अगर आप सेलेक्ट वर्ड का यूज करते हो तो सेलेक्ट एक कमांड है सेलेक्ट इज अ कमांड फ्रॉम डीएमएल लैंग्वेज डीएमएल मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब हुआ गिवन डेटा में से लॉजिक्स के बेसिस पे कंडीशन के बेसिस पे अगर कोई डेटा ऑप्टेन करते हो या जो लैंग्वेज उसमें यूज करी जाती है दैट इज योर डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन अगर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डेटा को अपडेट करना उसको डिलीट करना ऐड करना मॉडिफाई करना उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना इसके लिए यूज किया जाता है सेलेक्ट इज अ कमांड फ्रॉम द डीएमएन लैंग्वेज विच इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम ऑफ द टेबल्स ठीक अभी जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि मेरे पास ये मान लो ये मेरे पास टेबल में डेटा लिखा है यहां लिखा है नेम यहां लिखा है क्लास यहां लिखा है मोबाइल नंबर और यहां लिखा है आपका सब्जेक्ट ठीक तो मैं कहूंगा कि मुझे क्लास बताओ जैसे यहां पे है मैं नेम्स लिख सकता हूं संजय ऋषभ आकाश विश्वास सिक्स सेवन इलेवन जो भी उनका मोबाइल नंबर है सब्जेक्ट कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे ही कुछ कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो मैंने कहा मैं कौन से कॉलम में से डेटा जानना चाहता हूं मुझे किस कॉलम की वैल्यू चाहिए तो ये कौन सा कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है ये मैं सेलेक्ट के आगे बताऊंगा सेलेक्ट नेम तो मुझे नेम देगा सब्जेक्ट तो मुझे सब्जेक्ट देगा सेलेक्ट मोबाइल नंबर तो मुझे मोबाइल नंबर देगा तो जो डेटा आप जानना चाहते हो वो सेलेक्ट के आगे लिखना पड़ता है ठीक है एवरी एसक्यूएल क्वेरी स्टार्ट्स विद सेलेक्ट कीवर्ड कोई भी क्योंकि आपको डेटा चाहिए तो ना आप इस एसक्यूएल क्वेरी से क्या निकाल डेटा ही तो रिट्रीव करना चाहते हो ना ये डेटा ऐड करना होगा तो किस में डेटा ऐड करना चाहते हो वो लिखोगे कि मुझे संजय के नेम के आगे जो सब्जेक्ट है वो चेंज करना है या मुझे संजय के नेम के आगे एक और कॉलम ऐड करना है या एक और कॉलम आपने उसमें बनाया और उसमें लिख दिया कि एज उसकी तो संजय के नाम की एज के नेम के आगे मुझे तो कुछ तो सेलेक्ट करोगे किसी डेटा में तो मॉडिफिकेशन या एडिशन या डिलीशन कर रहे होगे तो किस कॉलम में कर रहे हो किस डेटा में कर रहे हो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ठीक है दैट इज योर सेलेक्ट क्लॉज फिर उसके बाद आते फ्रॉम ये डेटा कहां पे है ये डेटा किस जगह है ठीक है अब ऐसी जैसे ये तो मैंने बताया जैसे मान लो ये क्लास टेबल ये कौन सी टेबल है क्लास टेबल अब ऐसे बहुत सारी टेबल होगी बहुत जगह पे डेटा लिखा होगा ठीक तो ये जो डेटा फाइंड करना है ये कौन सी टेबल से डेटा फाइंड करना है जैसे मान लो एक क्लास टेबल होगी एक मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट टेबल अच्छा स्टूडेंट टेबल में क्या है यहाँ पे रोल नंबर यहां पे नेम लिखा है और नेम के आगे एज लिखी है तो अगर मुझे एज में से चाहिए तो मैं कौन सी टेबल लूंगा जैसे कि अगर मैंने कहूं मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी यहां पे लिख दिया सेलेक्ट सेलेक्ट एज अगर मुझे एज चाहिए सेलेक्ट एज तो मैं कौन सी टेबल से लूंगा फ्रॉम मेरी टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट टेबल ऐसे आपको क्या लिखने पड़ेंगे स्टेटमेंट स्ट्रिंग्स लिखने पड़ेंगे कमांड लिखने पड़ेंगे तब आपको जाके आंसर मिलेगा और फिर जैसे ही लिखोगे एंटर मारोगे तो आंसर आ जाएगा तो सेलेक्ट एज स्टूडेंट टेबल तो सारे स्टूडेंट्स की अब यहां पे मैं नेम एंड एज लिख दूस स्टूडेंट यहाँ पे एज ठीक है वेयर वेयर वर्ड इज यूज टू स्पेस अच्छा यहां तो आपने बता दिया कि आपको चाहिए एज एज मुझे यहां पे जैसे संजय की एज लिख देता हूं मैं यहां पे 15 ठीक तो सेलेक्ट आपने लिखा एज एज मुझे बताओ तो एज कहां से लेनी एज मुझे स्टूडेंट टेबल से लेनी स्टूडेंट टेबल के एज वाले कॉलम पे आ गया यहां तक सिस्टम पहुंच चुका है लेकिन यहां तो बहुत सारे लोगों की एज लिखी है यहां पे ऋषभ की भी एज लिखी है ट्वेंटी टू है यहाँ आकाश की भी एज लिखी है, 16 है तो बहुत सारे लोग की तो किसकी एज बता दे भाई आपको तो आप एक कंडीशन इसमें डालोगे एक और स्ट्रिंग डालोगे दैट इज वेयर यहां इसके बाद आएगा वेयर जहां पर वेयर की वर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई अ कंडीशन जहां पर जो आपका वर्ड यानी कि जो सबसे पहला लेटर जो है वो आपका होना चाहिए एस तो वेयर आप लिख दो एस इसके अंदर कॉलम के अंदर और यहां परसेंटेज का साइन लगा दो तो क्या करेगा कि एस नाम से स्टार्ट होने वाले जितने लोग हैं उनकी एज आपके सामने आंसर के तौर पे आ जाएगी तो एस के सामने एस नाम से स्टार्ट होने वाला एक ही बंदा है जिसकी एज 15 है आंसर आपको सिस्टम 15 दे देगा है ना एक कमाल की चीज ठीक तो यहां पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं तो अभी यहां पे हम क्या करेंगे डेटा एक मैं सम, एक आप कह सकते हो मैं चाहूँ तो अपने एप्लीकेशन पे पेज बना सकता हूं जहां ये मैं क्वेश्चंस डाल सकता हूं सेलेक्ट आपको क्या लेना है क्या किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कौन से टेबल से चाहिए किस क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या कंडीशन है उसकी वो फिल्टरिंग इज इट्स यू कैन से जो आप फिल्टर एक्सेल में लगाते थे उसका थोड़ा सा फॉर्मेट ये कमाल है आपका एसक्ल करी का समझ क्लॉज स्पेसिफाइज आप बता सकते हो कौन सी टेबल से लेना है किस रेंज से डेटा आपको चाहिए वेयर की वर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑल द टपल्स टपल्स यहां पर डेटा है बेटा टपल का मतलब डेटा होता है कुछ और मतलब समझ लेना टपल्स इज डेटा किसी का नाम नहीं है ये वैल्यूज डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू और टेक्सट इन कैन बीन एनी फॉर्म ठीक है तो आपको भैया मैंने तीन कमांड बताई सेलेक्ट सेलेक्ट कमांड यूज होता है सेलेक्ट कमांड इज यूज टू ऑप्टेन विच वैल्यू यानी कि कौन से कॉलम से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए टेबल की कौन से कॉलम से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सेलेक्ट कमांड टू सेलेक्ट कमांड्स एंड रिप्रेजेंट विच कॉलम यू हैव टू सेलेक्ट इन द टेबल टेबल में से कौन सा आपको कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए आप सेलेक्ट के सामने लिखते हो फ्रॉम टेबल ये डेटा ये जो आपको रिक्वायर है ये कौन सी टेबल से आने वाली है इसका नाम आपको फ्रॉम के आगे लिखना पड़ेगा वेयर वेयर कंडीशन बताएगा कि मैंने जो टेबल सेलेक्ट कर ली और कॉलम सेलेक्ट कर लिया उस कॉलम में अगर एक से ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज है तो उसके लिए क्या कोई कंडीशन है कि मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे सिर्फ वही टेबल डेटा चाहिए मैं सबका एज कॉलम ला दे दूं आपको ठीक है जो भी आप कॉलम मांग रहे हो सारी इंफॉर्मेशन उस कॉलम के ला दे दू उस टेबल में से तो ये आपको वेयर इज अ कंडीशन डेटा डिस्टिंक्ट अच्छा distinct काम क्या करता है? काम क्या करता है? कि अगर जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है जैसे मेरे मैं अभी स्टूडेंट टेबल और आपको क्लास टेबल वाला बताया था अगर उसमें किसी भी कंडीशन में दो तरीके के रिपीटेड डेटा मिलते हैं दो तरीके के रिपीटेड डेटा मिलते हैं जैसे संजय नाम के अगर दो लोग होते तो वहां पर वो अगर सेलेक्ट के आगे मैं क्या लिख दू डिस्टिंग तो उसमें से वो सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही देगा यूनिक वैल्यू को ही एज अ आंसर प्रेजेंट करेगा यानी सिर्फ संजय एक नाम अगर मैं सिर्फ सेलेक्ट तो दो संजय लिख के देगा मुझे दो संजय की एज लिख के देगा अगर मैं सिर्फ डिक्स लिख दू तो किसी एक संजय की एज मुझे लिख के देगा ठीक सेलेक्ट लिस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉलम्स अब सेलेक्ट लिस्ट में अभी मैंने सेलेक्ट में एक कॉलम बताया सेलेक्ट लिस्ट में आप एक से ज्यादा कॉलम भी लिख सकते हो ठीक है क्वालिफिकेशन इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग अ कंडीशन कंटेलिंग लॉजिकल नोट कनेक्टिविटीज एंड ऑल्सो कंपेरिजन ऑपरेटर्स अगर आपको क्वालिफिकेशन बेसिकली कंडीशन होती है उसमें आप कंडीशन क्या डालना चाह रहे हो कहीं डेटा कंपेयर कर रहे हो कंपेरिजन के बेसिस पर देख रहे हो डेटा को या डेटा को कंपेयर करने के लिए आपको एक और टेबल का वैल्यू चाहिए या डेटा कंपेयर रिजल्ट चाहिए या एक से ज्यादा दो टेबल्स अगर कनेक्ट है, है एक दूसरे से कनेक्टिविटी लिंक है उसमें तो उसके लिए आप क्वालिफिकेशन का यूज करते हो दो बार लिख दिया मैंने ठीक है यह एक मैंने आपके सामने देखिए रखा है इसको बहुत अच्छे समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूं जिसमें आपके पास है एम्प्लॉय की टेबल डिपार्टमेंट की टेबल और प्रोजेक्ट की टेबल तीन टेबल है मेरे पास मेरे डेटा बेस मैनेजमेंट में तीन टेबल हैं जिसमें से एक एम्प्लॉय का डेटा कंटेन करती है एक में डिपार्टमेंट का डेटा है एक में प्रोजेक्ट का डेटा है कौन कौन एम्प्लॉय है किसको कितनी सैलरी है किसका फोन नंबर क्या है एज क्या है एम्प्लॉय के टेबल में है इनको एक एम्प्लॉय आईडी दी गई है यही एम्प्लॉय आईडी यूनिक आई है और यहाँ पे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में किस लोकेशन पे है वो अलॉट किया गया है और इस पर्सन को कौन सा प्रोजेक्ट दिया गया है वो भी यहां पर अलॉट किया गया है ठीक है तो यहां पे कुछ प्राइमरी कीज है अगर आप यहां पर ध्यान से देखो डेटा को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे कुछ प्राइमरी कीज दिखेंगी जो बताएंगी कि एक दूसरे से टेबल्स लिंक हैं अभी आप यहां पर देखो ये जो एम्प्लॉ आईडी है ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहां पे डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी बन गई है ठीक और जो यहां पर पी नंबर है ये जो यहाँ पे पी नंबर है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर बन गया है। अभी देखो इलेवन इलेवन के आगे क्या है अकाउंट 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 इलेवन अकाउंट्स टू 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 में देखो कौन है जॉन यानी जॉन जो है ए प्रोजेक्ट नेम ए प्रोजेक्ट में काम कर रहा है नाइन मंथ से ठीक इसके हंड्रेड टू देखो यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर आईडी इन्होंने एक प्रोजेक्ट आईडी भी इसको मैनेजर आईडी भी दे रखी है ठीक है आगे बात समझ में सबको ठीक है तो एक दूसरे से लिंकिंग है टेबल की अभी आपके यहाँ टेबल की लिंकिंग सिलेबस में नहीं है अच्छी बात तो ये ठीक है कम ही सीखना है कम समय में कम सीखना है ठीक तो आ जाइए इस टेबल को थोड़ा और अच्छे से समझें कि ये टेबल जो दी है मैं क्या क्या पूछ सकता हूं तो देखो मेरा सवाल है इस टेबल से इस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से मेरा एक सवाल है और मैं जानना चाहता हूं आपके पास इसे कुछ ना सकता है सेलेक्ट द द नेम्स एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन आपके पास ऐसे लोगों का नाम देना है आपको क्या चाहिए सेलेक्ट नेम एंड सैलरी आपको दो डेटा चाहिए एक तो उसका नाम और दूसरा क्या चाहिए सैलरी जिस एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन ट्वेंटी थाउजेंड हो जिसकी ट्वेंटी थाउजेंड से ग्रेटर हो अच्छा यहां पर इन्होंने हम दो याद तो देखो इन्होंने दो तरह सॉल्यूशन दिए एक दिया सेलेक्ट डिस्टिंग का रिजल्ट डिस्टिंग वर्ड यानी कि रिपीटेड नाम नहीं आएगा और दूसरा इन्होंने क्या दिया है एक सेलेक्ट यानी विदाउट डिस्टिंक्ट विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि अगर मैं डिस्टिंक्ट वर्ड ना यूज करूं तो मेरे पास रिपीटेड नेम आ सकता तो आ जाइए क्वेश्चन पर पहले देखता हूं जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले मेरी तीन बेसिक कमांड है जिनको मैं हमेशा याद रखूंगा और आपके सिलेबस में यही आने वाला है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर ये तीन चीजें याद रखो अगर ये तीन चीजें सीख गए तो डेटा का कुछ नहीं तो 20-30% परसेंट का काम तो सीख गए यानी का थोड़ा बहुत काम सीख जाओगे ठीक है तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या है तो मैंने लिखा कि मुझे सेलेक्ट क्या करना है एम्प्लॉय का नाम तो मैंने एक कॉलम ये जो इनेम है ना अभी यहां पर देखो मैं आपको बताता हूं कि ये देखो, एक एक मैं आपको सेलेक्ट का स्ट्रिंग बताता हूं कैसा होता है ये देखो डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन में आपको बताता हूं जरा यहां मैंने सेलेक्ट का स्ट्रिंग लिखा हुआ है और इसका स्ट्रिंग देखो कुछ ऐसा होता है hmm. कहा लिखा है हा सेलेक्ट इसमें एक एक्सप्रेशन होता है और एक कॉलम नेम होता है एक्सप्रेशन एंड कॉलम नेम तो पहला तो आपको कॉलम नेम लिखना पड़ेगा और दूसरा आपको क्या हेडिंग चाहिए वो लिखना पड़ता है कॉलम का नाम लिख सकते हो तो अब यहां पर देखो एक एग्जाम्पल यहां पर शायद दिखा है मैंने ये देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज के आगे जो नेम लिखते हो दैट इज द कॉलम नेम तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करो लेकिन उस कॉलम का नाम क्या रखोगे नेम रखोगे सेलेक्ट करो एम्प्लॉय की सैलरी लेकिन उस जहां पे एम्प्लॉय की सैलरी लिखोगे उसका नाम क्या लिखोगे कॉलम का सैलरी यानी आपको टेबल फॉर्म में भी डेटा दे सकता है ठीक है तो इसको अगर थोड़ा यहां पे मैं वापस ले आऊ वापस ले आऊ वापस ले आऊ वापस ले आऊ ठीक है अभी देखो देखो अभी यहां पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया बोला एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सैलरी यहां पे मैंने कॉलम का नाम नहीं लिखा है क्यों क्योंकि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है ना इस डेटा में मेरे पास पहले से कॉलम का नेम है मेरे पास कॉलम का नेम ई नेम है और ई सैलरी है ई नेम में एम्प्लॉय का नेम है ई सैलरी में सैलरी है तो मुझे क्या चाहिए मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए और एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए ये दो चीजें चाहिए ये मुझे कहां से मिलेगा ये मुझे एम्प्लॉय टेबल से मिलेगा तो मैं कहां पे आ गया मैंने टेबल का नाम लिखा एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ठीक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लिख दिया फिर उसके बाद अच्छा इसमें कंडीशन क्या लगानी है जिनकी सैलरी ई सैलरी लिखा है ना ये कि ये जो सैलरी में है ना ई सैलरी जो है ये जो सैलरी है आपकी क्या होनी चाहिए लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड होनी चाहिए या से सैलरी ज्यादा होनी चाहिए तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ सैलरी ग्रेटर ट्वेंटी थाउजेंड जिसकी बीस हजार से ज्यादा सैलरी है अच्छा ये जो फ्रॉम एम्प्लॉय ई लिखा है ना ये गलत है ये एम्प्लॉय ई नहीं है क्योंकि टेबल का नाम तो खाली एम्प्लॉय है आप खाली टेबल का नाम लिखते हो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर गलतियाँ सबसे होती भाई और ये जो डॉट्स लिखे हैं ना वो थोड़े से गड़बड़ है ठीक है ओके तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी किन लोगों की सैलरी ट्वेंटी से ग्रेटर है? पहले तो मुझे कहाँ जाना है तो अगर मैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज को अपनी फॉलो करूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको जो एक मिनट एक काम करते इसको तो थोड़ा सा अगर छोटा कर दू मैं जो कि छोटा तो नहीं हो रहा बड़ा हो सकता है क्या नहीं चलिए इतना ही छोटा हो सकता है, है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए वो सेलेक्ट कमांड लिख दूँ, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपको समझने में ना, ठीक है यहां मैंने लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट मुझे क्या करना है एम्प्लॉ नेम और एम्प्लॉयी सैलरी और मुझे कहाँ से लेना है फ्रॉम टेबल टेबल का नाम लिख देता हूँ मैं employee, ठीक है और वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर कंडीशन मैंने लिख दी कि एम्प्लॉ सैलरी जो है वो ग्रेटर देन ट्वेंटी थाउजेंड है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कहाँ एम्प्लॉ टेबल में तो एम्प्लॉ टेबल में गया एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय सैलरी में गया एम्प्लॉय सैलरी में देखा ट्वेंटी से ग्रेटर किसकी किसकी है तो एक ये तो इक्वल टू है ये ग्रेटर देन तो मेरे पास कितने लोग हैं एक दो तीन चार पांच पांच लोग हैं जो इस कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मेरा पांच लोगों का डेटा आना चाहिए लेकिन अगर ध्यान दो इसमें से दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम क्या है एक ही है ये देखो, इसका नाम भी हेनरी इसका नाम भी हेनरी इसकी सैलरी भी ट्वेंटी से ज्यादा इसकी सैलरी भी ट्वेंटी से ज्यादा तो अगर मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखूंगा अगर मैंने सेलेक्ट लिखा तो मेरे पास ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड ये चार पांचों के पांचों रिकॉर्ड आएंगे लेकिन अगर मैंने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखा है तो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक ही हेनरी आएगा रिपीटेड डेटा नहीं आएगा यही डिफरेंस है आपका सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और सेलेक्ट में आई थिंक सबको चीज समझ में आ गई होगी तो यहां पर देख सकते हो जब सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिया तो सिर्फ चार नाम है और यहां पर जब सेलेक्ट लिया तो हेनरी देखो दो बार आ गया तो समझ गए कि हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कैसे यूज करके डेटा ऑप्टेन किया है या आप एक्साम्पल देख सकते हो या आप यूज भी कर सकते हो ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके यहां भी आ सकता है जिसमें आपको खाली लिखनी होगी और डेटा आउटपुट प्रेजेंट करके देना होगा ठीक है डीएमएल पे आ जाते हैं डीएमएल मतलब क्या डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज डेटा में मैन्युपुलेशन यानी चेंजेस करने के लिए या उसमें से कुछ रिट्रीव करने के लिए हम डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड ऑप्टिंग और फॉर मेकिंग ए स्क्ल क्वेरी स्ट्रक्चर लैंग्वेज लिखने के लिए हम डीएमएल कमांड का यूज करते हैं डेटा डिलीट टू डिलीट डेटा ये आपके क्या है आपके स्टार्टअप कमांड्स हैं कि अगर आपको जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिख दू इंसर्ट जो है ना इंसर्ट इन टेबल इस कंडीशन पे इस जगह पे जहाँ पे कोई भी डेटा ऐड करना होगा तो वहां पे ऐड कर देगा ठीक है आपके इंसर्ट वगैरह का ऑप्शन है नहीं सिर्फ सिर्फन नहीं ये। आ जाते इन द जनरल फॉर्म ऑफ बेसिक सेलेक्ट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड कॉलम्स सेलेक्ट एक्सप्रेशन एज कॉलम नेम सेलेक्ट

सेलेक्ट एम्प्लॉय एज नेम तो एम्प्लोई यहां पर जो मेरे पास टेबल थी यहां पर जो मेरे पास टेबल थी इस टेबल में जो नेम लिखा था वो उस टेबल के कॉलम का नेम क्या था ई e नेम लेकिन जो मुझे रिजल्टेंट डेटा चाहिए उस कॉलम में उस रिजल्टेंट डेटा में मुझे कॉलम नेम क्या चाहिए मुझे कॉलम नेम चाहिए खाली नेम इसलिए मैंने आगे नेम लिखा है सैलरी उस टेबल में ई सैलरी नेम से कॉलम है उसका लेकिन मुझे यहाँ पे जो कॉलम बना के चाहिए जो कॉलम में डेटा चाहिए यहां पे मुझे डेटा चाहिए वो टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो उस टेबल फॉर्मेट में जो कॉलम की हेडिंग होगी वो सैलरी होगी वो यहां पर इसलिए मैंने सैलरी लिख दिया ठीक है तो यहां पे सेलेक्ट में दो आपके पास ऑप्शन दो चीज आप लिख सकते हो एक तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में आप कौन से कॉलम से डेटा लाना चाहते हो और जिस कॉलम से डेटा लाना चाहते हो उस डेटा को अगर आप टेबल में पॉपुलेट करना चाहते हैं तो उस टेबल के कॉलम का नेम क्या होगा या रिजल्टेंट में आउटपुट में जो कॉलम से आप डेटा लाना चाहते हो उस कॉलम को मैं यहां पे किस नेम से रिप्रेजेंट करूंगा वो मैं एज के आगे नेम में लिख सकता हूं जैसे यहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट एम्प्लॉ नेम को मुझे किस कॉलम में लिखना है नेम वाले कॉलम में तो देखो नेम का एक कॉलम बना नेम के नीचे आ गया है ठीक है? समझ गए सब ठीक आ जाइए इस पे फिर है अच्छा कॉलम नेम कॉलम नेम इट रिफर्स टू द द कॉलम्स न्यू नेम इन रिजल्टेंट क्वेरी इट कैन ऑल्सो इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन ऑपरेटर चाहे टॉप उसमें सम कर सकते हो एवरेज कर सकते हो ठीक है उस कॉलम में काउंट लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि मुझे अगर ये जानना हो कि अगर मैं लिखूं एम्प्लॉय सैलरी सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी और मैं कर सम तो वो क्या करेगा का सारा सम कर देगा अगर मैं वहां पे क्या लिख दूं देखो अगर मैं कमांड ये लिख देता हूं अगर मैं कमांड यहां पर ये लिख दूं की सेलेक्ट एम्प्लॉ नेम या एम्प्लॉ सैलरी एज़ यहाँ लिख दूँ मैं सम ठीक फ्राम कौन सी टेबल से फ्राम एम्प्लॉ टेबल फ्राम एम्प्लॉ टेबल ठीक और कोई कंडीशन नहीं लगाऊँ जैसे ही एंटर मारूँगा ना तो यहाँ पर वो एक सम दे देगा आपको यहाँ लिखेगा सम और यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा इस सैलरी के टोटल की तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है एट टू टेन 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 ट्वेंटी थर्टी ज़ीरो एंड थ्री 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 सिक्स सेवन टू नाइन नाइन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टीन सिक्सटीन एटीन नाइनटीन और ये नाइनटीन एक दो तीन वन लैख नाइन्टी थाउजेंड आपके पास यहाँ पर सम लिख के आ जाएगा अगर आपको इसमें से कोई मिनिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम बता सकता है अगर आपको काउंट चाहिए कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो काउंट बता सकता है तो जो भी आप ऑपरेटर उससे आस्क करोगे वो आपको उसके इसमें जवाब दे देगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अभी आगे आ जाते हैं आगे आते आगे आते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखता हूं मैं फाइंड द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु फॉर ऑपरेशन ऐसे लोगों का नाम तो जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉय ऑपरेशन डिपार्टमेंट की मुझे डिटेल कहां से मिलेगी एम्प्लॉ टेबल से तो मुझे क्या चाहिए सेलेक्ट फाइंड नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉज तो मुझे नाम चाहिए तो एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट एम्प्लॉय कॉलम फ्रॉम ये कहा से मिलेगा मुझे टेबल जो मेरे पास है टेबल जो मेरे पास है वो ये है ये मुझे डिपार्टमेंट का नाम जो मिलेगा ना वो मुझे डिपार्टमेंट का नाम यहां से मिलेगा ओके okay. अभी देखो 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 ये देखिए फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट यानी एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से दो टेबल से डेटा निकालना है कहां से निकालना है दो टेबल से पहले डिपार्टमेंट में जाना है फिर डिपार्टमेंट से किससे आना एम्प्लॉय पे आना है ठीक है जहां पर एम्प्लॉय एंड डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर एंड डिपार्टमेंट नेक्वल टू ऑपरेशन तो दो कंडीशन है जहां पर एम्प्लॉ के टेबल में जो आपका डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट में जो आपका डिपार्टमेंट नंबर है वो दोनों इक्वल होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होना चाहिए ऑपरेशन तो आ जाओ बेटा तो यहां पर देखें टेबल में डिपार्टमेंट में ऑपरेशन ये लिखा है सिर्फ एक ऑपरेशन है इसकी डिपार्टमेंट की इसकी जो डी आई डी इसकी ये जो डी आई डी है सबसे पहला मेरा काम क्या है ऑपरेशन ढूंढना कहाँ लिखा ऑपरेशन कहा मिल गया एक ही जगह है ठीक इस ऑपरेशन के आगे जो डी नंबर है ठीक डी नंबर यहां पर है सिक्स एम्प्लॉय में देखो ई नंबर यहां पे डी नंबर क्या है एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय के टेबल में डी नंबर कहां है सिक्स 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 अब ये भी सिक्स ले लिया तो अब इस सिक्स के सामने एम्प्लॉय का नाम मुझे चाहिए ना एम्प्लॉय का नाम क्या है डेविड। अभी देखो मेरा आउटपुट होना क्या चाहिए डेविड होना चाहिए तो मैं चेक करूंगा और मुझे आउटपुट जो यहां मिल रहा है यू कैन सी इस डेविड समझ गए समझ में आया ना ठीक है कुछ गलत तो नहीं बताया मैंने ठीक ओके okay. तो समझ में आ रहा है सब बच्चों को बहुत इजी चीज है छोटे छोटे क्वेश्चंस है आएंगे आपके पास लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज नेम स्टार्ट विथ एच एंड हैज आर एज द थर्ड कैरेक्टर तो मुझे सेलेक्ट क्या करना है एम्प्लॉय का नाम और उस एम्प्लॉय का नाम जो लिखूंगा मैं नेम नाम के कॉलम में लिखूंगा और उसको मुझे एम्प्लॉज लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज नेम एज द थर्ड कैरेक्टर उसकी मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए वो यहां पे क्वेश्चन मैंशन नहीं है लिस्ट द एम्प्लॉयिज अच्छा उनके एम्प्लॉयज नेम एंड सैलरी एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी है यहां पे तो इन्होंने एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय की सैलरी पूछी है ये एम्प्लॉय टेबल से आएगा ठीक है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और ये वेयर वाला जो स्ट्रिंग है ना ये नेक्स्ट लाइन में आएगा यहां मैंने लिख दिया ठीक वेयर जहां पर एम्प्लॉय नेम लाइक क्या होना चाहिए एच से स्टार्ट होना चाहिए आज से तो ये जो स्ट्रिंग है ना वो कुछ ऐसा होगा ये मैंने यहां पे लिख दिया वेयर ई नेम लाइक एच आर परसेंटेज जैसे एंटर मारोगे आपके पास आ जाएगा तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है एच से और थर्ड कैरेक्टर ना एच एंड तो इसीलिए एक एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर तीसरा कैरेक्टर आ रहा है और उसके आगे का कुछ नहीं उसके आगे भी कंटिन्यू इसलिए परसेंटेज लगा दिया ठीक है तो परसेंटेज तब लगा दिया था जब उसके आगे भी और कोई कैरेक्टर अवेलेबल है ठीक तो यहां पर आप देखोगे तो आपको एक ही बंदा मिलेगा हैरी तो अगर हम टेबल में आ जाए तो टेबल में आते हैं और एम्प्लॉय की टेबल में देखते हैं कि एच स्टार्ट हो रहा है और जिसका आर है तो देखो एच से तो ये भी स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका तीसरा आर है लेकिन इसका तीसरा कैरेक्टर क्या है एन है तो इसने इसलिए हैरी का नाम और हैरी की सैलरी यहां पे आपको आउटपुट में दे दिया है आज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इंसर्ट कमांड द इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट और एड अ रो और डेटा अ टेबल अगर मुझे किसी टेबल में कोई डेटा एड करना है तो मैं इंसर्ट कमांड का यूज करता हूं इंसर्ट इन टू किस टेबल में डालना है उस टेबल का नाम फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम कौन सा कॉलम है कॉलम का नाम लिखोगे आप पहले टेबल का नाम लिखोगे फिर कॉलम का नाम लिखोगे वैल्यूज में क्या वैल्यू आपको लिखनी है वो लिखोगे उसकी इन द एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल बिलो द कॉलम नेम विल मैच अप विद द वैल्यू लूक एंड द कॉलम नेम स्टेट विद विद मैच अप द वैल्यू जॉर्जिया जैसे कि आपने लिखा इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय यानी मुझे एम्प्लॉय टेबल में क्या करना है मुझे एम्प्लॉय टेबल में फर्स्ट लास्ट एज एड्रेस सिटी और स्टेट मुझे ये सारी वैल्यूज उसमें डालनी है उसका मुझे फर्स्ट नेम डालना उसका लास्ट नेम डालना उसकी एज डालनी उसकी एड्रेस डालनी सिटी डालना स्टेट डालना है अब मुझे क्या वैल्यूज लिखनी है मुझे फर्स्ट में लुक लिखना है लास्ट में ड्यूक लिखना है एज में फोर्टी फाइव लिखना है सिटी में यह लिखना है स्टेट में यह लिखना, लिखना है ठीक ऑल शुड बी इंक्लूज बिटवीन सिंगल कोट्स सारे वैल्यूज जो हैं आपको सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखनी होती है आगे समझ में कि हम इंसर्ट कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं इससे आपका जो इंप्लॉय टेबल का डेटा होगा वहां पे आके डेटा इंसर्ट आके बैठ जाएगा यहां पे आपको शो नहीं किया गया है बट आप जो कमांड जब लिखोगे तो आ जाएगा ठीक है अपडेट डेटा अपडेट रोज सिंटेक्स फॉर दिस कमांड इज अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम कॉलम वैल्यू वेयर कॉलम नेम टू कॉल वैल्यू तो देखो यहां पे क्या लिखना है अपडेट स्टूडेंट तो आपको कौन सी टेबल में अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल में अपडेट करना है सेट कौन से कॉलम में अपडेट करना है नेम कॉलम में अपडेट करना है क्या कॉलम वैल्यू थी अजय वेयर आई डी इज इक्वल टू टू ठीक है जहां पे आईडी आपकी क्या है टू वहां पे नेम की जगह पे क्या अपडेट कर दोगे आप अजय कर दोगे जहां पे यानी कि आईडी उसकी आईडी क्या है उस टेबल में उसकी आईडी लिखी होगी स्टूडेंट आईडी लिखी होती है तो जिस स्टूडेंट के आगे टू आईडी लिखी होगी उसके नाम को जाके क्या अपडेट कर देगा ये अजय अपडेट कर देगा आगे बात समझ में दिस कमांड हैज अपडेटेड नेम रोज इन स्टूडेंट टेबल पहले उसका नेम क्या था रोज अब उसका नेम क्या लिख दिया है? अच्छे। ठीक डिलीट कमांड सिंटेक्सर सिंटेक्स कमांड जो है अब बस वो याद कर लो सिंटेक्स कमांड याद कर लोगे क्वेश्चन में है, सिंटेक्स कमांड लिख दो आउटपुट आपको तुरंत आंसर करेक्ट है ठीक है द सिंटेक्स फॉर दिस कमांड इज डिलीट फ्रॉम सबसे पहले डिलीट लिखना है फ्रॉम टेबल नेम लिखना है वेयर और उसका सर्च कंडीशन लिखना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आई डी इक्वल टू वन लिखोगे तो जहां पे स्टूडेंट टेबल से जहां आई डी वन जिस ID, जो भी जिस स्टूडेंट की आई डी वन है वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा समझ गए द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जनरली यूज फॉर क्वेरिंग द डेटाबेस फॉलोइंग इज द कॉल्सो रिलेटेड लिस्ट ऑफ कमांड जैसे आपका सेलेक्ट है इंसर्ट है अपडेट है डिलीट है क्रिएट है ऑल्टर ड्रॉप रीनेम कमेंट रोल बैक ग्रांट रिवोक ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं इनके खाली की आते हैं जिसमें से आपके पास सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट और रीनेम ही आपके सिलेबस में है ठीक है रीनेम बेटा कुछ नहीं करना है रीनेम में खाली जो आपका ये अपडेट का सिंटेक्स है ना अपडेट का सिंटेक्स है ना वही आप रीनेम के लिए यूज कर सकते हो खाली बस वो अपडेट की जगह रीनेम लिखना है ठीक इसके अलावा आप चाहे तो एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो एग्रीगेट फंक्शन स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज सिर्फ आप डेटा ही नहीं डेटा में मैनुपुलेशन यानी कि कैलकुलेशन भी कर सकते हो जैसे कि आपको किसी भी कॉलम का उसमें कितने नंबर ऑफ है काउंट फाइन करना है उसका सम फाइन करना है एवरेज करना है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो ये सारे भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो एग्रीगेट फंक्शन में जैसे कि काउंट फंक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा द काउंट और ये जो आपके कोलन है इस कोलन के अंदर मैं लिख देता हूं जो भी मुझे जिस टेबल से मुझे वैल्यू चाहिए द काउंट फंक्शन नंबर ऑफ़ इन टेबल तो जैसे कि मान लो ये एक टेबल है है क्या है? ये स्टेटमेंट है, है, लिखा सेलेक्ट क्या करो सेलेक्ट 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 अभी मैं क्या करता था कोई भी कॉलम नेम अभी मैं कॉलम नेम की जगह क्या लिख रहा हूं काउंट यानी कि काउंट करो जोड़ो यहां पे सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी यानी कि प्रोडक्ट आईडी जितनी है प्रोडक्ट आईडी के अंदर जितनी रोज हैं वो सारी गई है जो भी प्रोडक्ट आई नी है नहीं, वो काउंट करके मुझे बताओ तो इसके बाद कितनी यूनिक है दस प्रोडक्ट आईडी वन टू थ्री फोर फाइव कोई रिपीटेड तो है नहीं यहां पर आ जाएगा अगर कोई रिपीटेड होगा वो भी जोड़ लेगा अगर मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिख दूंगा तो वहां पे सिर्फ यूनिक ही वैल्यूज दिखाएगा यानी अगर यहां पे टेन में दो बार लिख दू एक और बार टेन यहां पे रिकॉर्ड कर दूं तो यहां पे जब काउंट बताएगा तो इलेवन बताएगा लेकिन अगर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखूंगा तो यहां पर क्या बताएगा सिर्फ टेन ही बताएगा यही सेलेक्ट हो सेलेक्ट डिस्टिंग में सबसे ज्यादा सेलेक्ट का ही आता है आपके पास उसके बाद एसक्यूएल कमांड कमांड बिलो अभी जैसे मुझे यहां पर देखो यहां पे देखो इन्होंने क्या बताया कमांड गिवन बिलो इज़ द द लिस्ट नंबर ऑफ कस्टमर ई सिटी अब कितने कस्टमर हैं एक सिटी में या किसी एक सिटी में वो आपको फाइन करना है तो आप क्या करोगे सेलेक्ट काउंट सेलेक्ट काउंट काउंट क्या करना है कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी काउंट करनी है और क्या बताना है सिटी देना है तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी एक तो काउंट देगा और एक कॉलम हो जाएगा सिटी सिटी की वैल्यू देगा देखो सिटी का कॉलम पहले से नाम लिखा है सिटी तो दो वैल्यूज देगा कौन सी टेबल से देगा कस्टमर टेबल से इस टेबल का नाम क्या है कस्टमर टेबल ग्रुप बाय इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी यानी कि जो सेम सिटी ग्रुप बाय मतलब जो सेम सिटी के होते हैं वो एक हो जाएंगे ग्रुप बाय सिटी सिटी वाइज ग्रुप करना काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन जीरो उन्हीं को जोड़ना है जिनकी कस्टमर आईडी जीरो नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जीरो किसी आगे, देखो यहाँ पे जोड़ेगा नहीं वो तो अभी देखो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा अभी आप यहां देख सकते हैं हाम्टन, हाम्टन मेरे पास दो है, तो दो सिटी हेम्पटन वाले जिनकी काउंट क्या है एक और दो यहां लिख दिया ग्रुप वाइज इसीलिए इसने क्या, क्या ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करी है सिटी के अकॉर्डिंग कोड के अकॉर्डिंग नहीं करी है अगर यहां पे कस्टमर आईडी में लिख देता ग्रुप बाय कस्टमर आईडी लिख देता तो यहां पर कस्टमर आईडी दो बार आती यहां पे टू और टू लिखता है दो बार आता तो यहां पे मैं सिटी वाइज ग्रुपिंग कर रहा हूं समझ गया इसीलिए ग्रुप बाय सिटी लिखा है। आ जाते हैं सम फंक्शन पे सम फंक्शन इज रिटर्न द तो टोटल सम समय किसी भी कॉलम का टोटल दे देगा आ जाइए अभी जैसे बोला है सेलेक्ट कस्टमर आईडी सिटी कस्टमर हैविंग सम पॉइंट्स तो जिनका बोला है इन्होंने द SQL कमांड्स विल लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ही सिटी हैविंग अ सम ऑफ पॉइंट्स ग्रेटर देन 3000 तो यहाँ पॉइंट जिनका जो 3000 से जिनको ज्यादा पॉइंट मिल चुके हैं तो 3000 से ज्यादा जिनको पॉइंट मिल चुके हैं तो सेलेक्ट काउंट करो कौन कौन से कस्टमर है कस्टमर आईडी सिटी निकालो कस्टमर टेबल से ग्रुप बाय सिटी और उसमें होना क्या चाहिए हैविंग सम जिनका सम जो है ग्रेटर देन यानी जिनके पॉइंट्स का सम जो है ग्रेटर देन थ्री थाउजेंड है तो यहाँ पे हम थ्री थाउजेंड देखेंगे तो कोई रिपीटेड तो है नहीं तो अभी आप देख सकते हो हैम्पटन में हमारे पास दो लोग हैं जिनका यहां देखो हैम्पटन हाँ अभी आप बोला क्या हैविंग सम यानी कि अगर देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ सेलेक्ट क्या करना है आपको कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी से क्या निकालना है कितने कस्टमर से, उनकी कहां से लेना है ग्रुप कैसे करना है सिटी वाइज सिटी वाइज ग्रुपिंग करनी है उसकी देखो सिटी वाइज ग्रुपिंग है ना यहाँ पे सिटी के बेसिस पे यहाँ पे काउंट आता है सम जो है जिनका सम ऐसा नहीं बोला जिसकी वैल्यू अगर ये बोलता हैविंग पॉइंट मोर देन थ्री थाउजेंड तो हैविंग पॉइंट मोर देन थ्री थाउजेंड में तो देख रहा हूं सिर्फ एक ये आ रहा है हैविंग पॉइंट मोर देन थ्री थाउजेंड में एक ये है एक ये है सिर्फ दो हैं ठीक है सिर्फ दो ही है ना और यहां पर देखो चार रिकॉर्ड भी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना चार रिकॉर्ड तो अगर सिर्फ मैं पॉइंट लिखता अगर मैं यहां पर सम ना लिखता तो ठीक था लेकिन अगर मैंने यहां पे सम लिखा है तो इसका मतलब पता क्या हो बच्चों? इसका मतलब हुआ जिनके पॉइंट का सम थ्री से ज्यादा है तो मेरे पास क्या है मुझे सिटी और क्या चाहिए नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ई सिटी तो मुझे देखना सिटी तो हैम्पटन के बेसिस में हेम्पटन में, में दो लोग हैं इन दोनों के पॉइंट का सम करो सेवन थ्री टेन कैरी वन और ये हो जाएगा एट एट फाइव थर्टीन कैरी वन टेन टू ट्वेल्व कैरी वन और ये थ्री थ्री टू थ्री जीरो इन दोनों की सिटी पॉइंट यानी दोनों कस्टमर्स का सम क्या है थ्री थाउजेंड पॉइंट से इस रिकॉर्ड में आया है इस टेबल में इसीलिए आया है यहां पर ठीक और ये कितने लोग हैं दो लोग हैं ऐसे इसमें दो लोगों ने मिलकर क्या करा है टोटल थ्री थाउजेंड पॉइंट अचीव करा है उसी तरह थ्री थाउजेंड और किस को और कोई है अच्छा कॉर्लॉडो स्प्रिंग कॉर्लोडो स्प्रिंग और अच्छा न्यूयॉर्क देखो दोबारा आ रहा है तो न्यूयॉर्क का अगर जोड़ लो तो ये आ जाएगा थ्री थ्री फाइव फोर जीरो थ्री फाइव तो देखो न्यूयॉर्क का भी इन्होंने दो कस्टमर लिया है बाकी और कोई रिपीटेड है नहीं और जो रिपीटेड नहीं उनका फिर पॉइंट्स का सम नहीं होगा चूंकि सिटी वाइज ग्रुपिंग है तो अर्लिंगटन एक है और एक शिकागो एक है तो मेरे पास एक दो तीन चार तो मेरे पास चार सिटीज आ गए और उनके कस्टमर आईडीज के काउंट आ गए ठीक है सिमिलरली आप एवरेज फाइंड कर सकते हो अगर आपको लिखना है क्वांटिटी इन स्टॉक का एवरेज फ्रॉम प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट टेबल है यहां पे देख सकते हो ये प्रोडक्ट टेबल है अब प्रोडक्ट 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 टेबल 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 इन्होंने यहां पे ये यह देखो ये देखो ये प्रोडक्ट टेबल है ना अभी इन्होंने बोला कि मुझे एवरेज चाहिए तो ये क्या लिखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट करो क्या एवरेज कौन से कॉलम से कौन से टेबल से प्रोडक्ट टेबल से कौन से कॉलम से क्वांटिटी इन स्टॉक के ठीक है तो यहां पर देखो जो इन्होंने एवरेज फाइंड किया होगा एवरेज 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 फंक्शन आ जाए जा, 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 हाँ यह देखो सेलेक्ट एवीजी एवरेज क्वांटिटी इन स्टॉक कॉलम का नाम है इस कॉलम से लेना है और कौन से टेबल से लेना है प्रोडक्ट से कोई कंडीशन नहीं है तो कंडीशनल वैल्यू कोई है नहीं मिनिमम वैल्यू भी चाहे तो फाइन कर सकते हो मिनिमम क्वांटिटी ऑन स्टॉक लिखना है खाली मैक्सिमम फाइन करना है तो खाली मैक्स आपको लिखना है स्ट्रिंग में खाली मैक्स लिखना है ठीक है हो हो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा यहां मैक्स की जगह मैंने एवरेज लिख दिया है मैक्स की जगह यहां मैंने एवरेज लिख दिया है यहां मैक्स होगा यहां पे भी मैक्स होगा ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक आ जाएगी नेक्स्ट आ जाते हैं डेटाबेस बिजनेस एप्लीकेशन पे डेटाबेस बिजनेस एप्लीकेशन की बात करूं विद डेटाबेस मैनेजमेंट बिजनेसेस कैन इंक्रीज देयर एक्सेस टू तो डेटा एंड हेल्प एंड यूजर्स

डेटा बेसाइन हाउटा एलिमेंट को रिलेट एंड इट यानी कि फालतू का जो डेटा है वो रिमूव कर दो ज्यादा डेटा अब आप इंफॉर्मेशन निकालने के भी कई प्रोसेस है ना आप सही लैंग्वेज लिखोगे करेक्ट डिजाइनिंग करोगे अगर डेटा बेस की तो ही आपका प्रोसेस जो होगा वो ईजी होगा फास्ट होगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो जितना अच्छे तरीके से आप लैंग्वेज को डिजाइन करोगे लैंग्वेज लिखोगे डेटाबेस की डिजाइनिंग करोगे उतनी जल्दी ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है और इस स्टोरेज के बेसिस पे भी डिपेंड करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस डिजाइन डेटाबेस डिजाइन प्रोवाइड द ब्लू प्रिंट्स ऑफ हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर कहां पर सिस्टम में स्टोर हो रहा है

मेन ऑब्जेक्टिव डेटा बेस मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस द लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन मॉडल दो तरह के मॉडल होते हैं आपके पास एक लॉजिकल मॉडल फिजिकल मॉडल दिस स्टेज इज कंसर्ड विद डेवलपिंग अ डेटाबेस मॉडल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जैसा कस्टमर या जैसा यूजर डिमांड करता है उस हिसाब से डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है द एंटायर डिजाइन इज ऑन पेपर विदाउट एनी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन एंड स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट कंसिडरेशन फिजिकल मॉडल दिस स्टेज इंप्लीमेंट द लॉजिकल मॉडल ऑफ द डेटा बेस इन टू अकाउंट द डेटा बेस एंड फिजिकल इंप्लीमेंटेशन फैक्टर्स यानी कि यूजर को भी किस तरीके से डेटा रिकॉर्ड करना है कौन सा डेटा रिकॉर्ड करना है किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है कहाँ पे रिकॉर्ड करना है ये हम आपका किसमें बताते हैं लॉजिकल मॉडल में और फिजिकल मॉडल में हम उसको डेटा बेस मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं उस प्रोसेस को दैट इज योर डेटा फिजिकल मॉडल ठीक है आज ये नेक्स्ट ऑयर डेटा बेस ट्रांजेक्शन द्रांजेक्शन सेट ऑफ आर टू परफॉर्म सम लॉजिकल सेट ऑफ वर्क डेटा बेस्ड ट्रांजेक्शन डेटा बेस्ट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी है जो हुई उसमें ठीक है ट्रांजेक्शन ऑफ सेट यानी कि अगर मैं कोई भी एक्टिविटी जैसे मैं एटीएम में गया और मैंने एटीएम में पूछा कि ए मुझे बताओ कि मेरे बैलेंस मेरे अकाउंट में क्या बैलेंस है तो वो कुछ उस एटीएम में कुछ कमांड आप दोगे उस कमांड के बेसिस पे वो आपको आउटपुट देगा ना आप अपना कार्ड स्वाइप करोगे उस कार्ड से वो आपका अकाउंट का अकाउंट नंबर चेक करेगा फिर उस अकाउंट नंबर के बेसिस पे अपना बेसिसम पिन डालोगे वो अपने डेटा में चेक करेगा आपका आईटीएम पिन ठीक है कि नहीं तब आपको जवाब देगा उससे पहले तो देगा नहीं ठीक है गलत पिन डालने पर आंसर तो ना मिल जाता है अट्रांजेक्शन इज मेड टू चेंज डेटा इन डेटा बेस विच कैन बी डन बाई इंसर्टिंग न्यू डेटा अपडेटिंग रिट्रीवल के लिए भी होता है खाली इंसर्शन के लिए नहीं अबाउट द करंट कंडीशन यानी आप किस स्टेट पे हो यानी आपको मिलेगा आउटपुट कि नहीं मिलेगा दो आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन अच्छा ऑप इसका एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है असर्टेन जैसे कि आप मान लो ए टी एम में गए तो यू हैव हैविट ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड यू हैव इंसर्टेड द एटीएम कार्ड सेलेक्ट योर चूज लैंग्वेज सेलेक्ट वेदर सेविंग और करंट अकाउंट अमाउंट एंटर करो विड करो एटीएम टी एम एंटर करो ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा कलेक्ट कैश करो और फिनिश करो तो ये कुछ स्टेप्स आप क्या करते हो मैनुअली करते हो ये जो यूजर करता है पैसा विदड्रॉ करने के लिए ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑपरेशन ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप करते हो एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है द अब आर द सेट ऑफ द ऑपरेशन अब यहां पे एटीएम मशीन क्या करने वाली है यह एटीएम मशीन तीन काम करने वाली है रीड राइट और कमिट इस एटीएम मशीन के पास क्या है डेटा बेस तो वो अपने डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में तीन काम करेगी रीड राइट और कमिट सबसे पहला का, एक एग्जाम्पल लिया गया है एग्जाम्पल लिया गया है कि आपने क्या करना है अकाउंट वन से पांच हजार रुपए निकालने और अकाउंट टू में दो हजार रुपए ट्रांसफर करने हैं लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द अब थ्री सेट ऑफ ऑर्डर अपियर विद रियल लाइफ एक्साम्पल ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अकाउंट टू अकाउंट वन से अकाउंट टू में ट्रांसफर कर रहे हो तो पांच हजार यहां से निकाल के, दो हजार यहां ट्रांसफर कर रहे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन तो सबसे पहले क्या होगा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी यानी उसके हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर्ड है कि उसके पास अकाउंट बैलेंस क्या क्या, 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 क्या है अवेलेबल सारी चीजें हैं नाउ फॉर अ ट्रांसफर ऑफ फाइव हंड्रेड फ्रॉम अकाउंट वन टू अकाउंट टू अकर अब होगा क्या सबसे पहले क्या करेगा वो रीड करेगा सिस्टम रीड करेगा कि अकाउंट वन कहां है अकाउंट वन में कितने हैं पांच हजार रीड करेगा अकाउंट वन अकाउंट वन का इसको डेटा क्या मिलेगा फाइव थाउजेंड अकाउंट वन ठीक फिर इसमें से क्या करेगा अकाउंट वन में से पांच सौ माइनस करेगा माइनस फाइव हंड्रेड लिखो कितना माइनस फाइव हंड्रेड जैसे ही आप प्लस करोगे अब फिर से रीड करो कितना आया फोर्टी फाइव हंड्रेड ठीक रीड फोर्टी फाइव रीड मतलब वो चेक करता है कि अब बैलेंस कितना है फिर अकाउंट टू में आ जाओ रीड अकाउंट टू अकाउंट टू रीड करो कितना मिला टू थाउजेंड अकाउंट टू में इसमें क्या करना है मुझे ऐड करने डिपॉजिट करने प्लस फाइव हंड्रेड राइट देन यू हैव अगेन बैलेंस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कमिट मतलब खत्म द कमिट स्टेटमेंट परमानेंटली सेव द चेंजेस मेड यानी कि जो आपने चेंज करा है उसको फाइनल कमीशन देता है फाइनल परमिशन देता है कि जो चेंज है सही है उसको करेक्ट कर दो एंटर मार दो सारे चेंजेस हो जाएंगे ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आपने करा, पिन डाला, लेकिन बैलेंस नहीं कटाना पैसा आया या बैलेंस कटा फिर उसके बाद पैसा भी नहीं निकला मशीन से फिर एक दो मिनट बाद फिर वापस आ गया तो इसको बोलते रोल बैक करना सिस्टम क्या कर देगा रोल बैक कर देगा अगर उसको प्रोसेस करते समय यानी कि अगर रीड कमिट कब आएगा जब रीड और राइट कर लेगा रीड राइट और चेंज करेगा अगर मान लो राइट चेंज यानी कि अगर वो राइट करते समय कुछ सिस्टम अटक गया या एटीएम मशीन अटक गई बत्ती चली गई तो क्या हो जाएगा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा और आपका पूरा प्रोसेस फिर से रोल बैक हो जाएगा यानी जो आपने पैसे माइनस करे होंगे आपके अकाउंट से माइनस हुए होंगे डेबिट हुए होंगे वो फिर से जाके क्रेडिट हो जाएंगे ठीक दैट इज अ रोल बैक स्टेप तो रोल बैक स्टेटमेंट अंडू द चेंजेस मेड बाय द करंट ट्रांजेक्शन एक बार कमिट हो गया एक बार सिस्टम ने अपने कमिट कमांड तक पहुंच गया फिर वो रोल बैक नहीं होता ठीक है ट्रांजेक्शन स्टेट पांच स्टेट हैं एक्टिव स्टेट पार्सली कमिटेड स्टेट फेल स्टेट अबाउट स्टेट कमिटेड स्टेट टर्मिनेट स्टेट टर्मिनेटेड स्टेट बहुत आसान इसका

कमिटेड स्टेट बट इन केस ऑफ अ फेल्यूर इट विल गो टू द फील स्टेट तो जब इस प्रोसेस में रहती है यानी कि रीड राइट करने के बाद राइट और कमिट के बीच में जो टाइम रहता है ठीक है उस प्रोसेस स्टेट को हम क्या बोलते हैं पार्शली कमिटेड फेल्ड स्टेट यानी अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस में ब्रेक आ जाता है तो फेल्ड स्टेट हो जाता है इफ एनी ऑपरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन फेल्स ड्यू टू द सम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इशू देन इट गोड्स टू द फेल्ड स्टेट वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है द क्रेंस ऑफ अ ड्यूरिंग डूरिंग ट्रांजेक्शन मेक अ परमानेंट चेंज

बिकॉज इन द प्रीवियस स्टेट ऑल द चेंजेस वर ओनली मेड इन द मेन मेमोरी दिस कमिटेड दिस अनकमिटेड चेंजेस आर आई दर डिलीटेड चाहे वो डिलीट कर देते हैं या रोल बैक कर देते हैं चूंकि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है ठीक है आप चौथे तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो कमिटेड स्टेट जब कंप्लीट हो जाता है टर्मिनेटेड स्टेट जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और कोई भी रोल बैक नहीं हो सकता इफ द ट्रांजेक्शन गेट्स रोल बैक और द द द कम्स कम्स फ्रॉम कमिटेड स्टेट स्टेट देन टू कंसिस्टेंट एंड इज रेडी फॉर द फर्दर न्यू ट्रांजेक्शन उसी को आप क्या बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑटोमिसिटी है कंसिस्टेंसी है आइसोलेशन है ड्यूरेबिलिटी है ठीक है कुछ प्रॉपर्टीज है आप इसको पढ़ सकते हो डेडलॉक डेडलॉक इज अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इज एन डेडलॉक मतलब जो सिस्टम हो जाए जाम जब हो जाता है ना पढ़ पढ़ के दिमाग बिल्कुल थक जाता है तो अब तो बहुत हो गया उसी को बोलते हैं डेडलॉक जब सिस्टम भी काम करते करते थक जाता है ना मशीन भी तो हो जाती है डेडलॉक तो डेडलॉक इज अ डेडबेस मैनेजमेंट डेटा बेस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इज एन अंडर अंडर दैट सिचुएशन इन विच टू और मोर ट्रांजेक्शन है कई बार देखते हो ना एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो फॉर्म भर रहे हैं सर्वर वो बफर कर रहा है बफर कर रहा है पेज ओपन ही नहीं हो रहा ओपन ही नहीं हो रहा सबमिट कर रहे हो सेव ही नहीं हो रहा तो ये तब होता है जब सिस्टम डेडलॉक हो जाता है और यूजर्स को क्या करना है वेट करना पड़ता है चूंकि वो अभी अपने डेटाबेस में अपडेशन कर रहा होता है ठीक है और ये यहीं पर खत्म इसीलिए आखिरी टॉपिक मैंने डेडलॉक रखा था ठीक कि यहां पे खत्म यहां पे एंड आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका आखिरी टॉपिक था और अब आप तैयार हो चुके हो अपने 20 मार्क्स के सेक्शन को अटेंड करने के लिए बहुत इजीली ठीक अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ठीक है और वी हैव द स्पार्ट ग्रुप हमारे पास स्पार्टन ग्रुप है एंड ऑप्शिशन ग्रुप है आप उसमें आप एनरोल कर सकते हो नीचे लिंक गिवन है आप ज्वाइन कर सकते हो उसको एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है थैंक यू हैव अ ग्रेट डे